फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोग के लिए बहुत यूनिक सा चीज़ लेके आई हूँ। बहुत ही यूज़फुल है सबके लिए फ्रेंड्स। ये मैं इसका मोबाइल कवर बनाना बताऊँगी बहुत ही इजी तरीके से। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, ये मेरी काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि आप मतलब मोबाइल कवर बनाना बताइए। तो मैंने सोचा आप लोग को क्यों ना एक मोबाइल कवर बनाना बताऊँ, जो कि बहुत ही ईजी है और एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। ये वाली डिज़ाइन मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी और आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए, पहली बात, आपने मैंने यहाँ पर 24 फंदे लिए। फ्रेंड्स, 24 फंदे लेने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए 6 लाइन यानी 12 लाइन की सिर्फ उल्टी उल्टी निटिंग की है, गार्टर स्टिच। उसके बाद ये फ्लावर डिज़ाइन, उसके बाद ये फेस बेबी फेस डॉल वाली डिज़ाइन, फिर ये फ्लावर, फिर ये फेस डॉल वाली। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सिंपल ये निट किया। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसका मेजरमेंट लेने का। फ्रेंड्स, आप अपना फ़ोन ले लें, ये मेरा नॉर्मल साइज़ का है, किसी भी फ़ोन पे ओप्पो वीवो कोई भी फ़ोन आराम से आ जाएगा। ये तो छोटी साइज़ है फ्रेंड्स। तो देखिए आपने क्या करना है, आप फ़ोन को ऐसे रखना है, ये देखिए आपने फ़ोन को ऐसे रखना है, फिर ऐसे माप लेना है। ये मेरी बड़ी फ़ोन की वो है फ्रेंड्स, इसलिए मैं जैसे आप लोग को मेज़रमेंट बता रही हूँ, आपने ऐसे ही फ़ोन को रखना है, फिर आपने माप लेना है, फिर उस हिसाब से आप सिंपल निटिंग करते हुए आएंगे फ्रेंड्स। तो मेरी यहाँ पे देखिए, मेरी जो फ़ोन है उसकी यहाँ तक है, ये तो छोटा फ़ोन है फ्रेंड्स, तो उसकी लंबाई यहाँ तक है एक्चुअल। और ये मैंने देखिए एकदम बराबर निट कर ली है। ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा ये वाली पोर्शन, और बैक साइड मैंने ये सिंपल बनाया, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टे सीधे हमने यहाँ पे निटिंग की है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके बाद का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो आपको केयर करना होगा कि इसके बाद हमने क्या करना है। और बिल्कुल बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई, और आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे बेबी डॉल फेस डिज़ाइन ये डाली है, ये डाली तो यही डालना, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी मल्टी कलर का डिज़ाइन मेंशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। जो मल्टी कलर की डिज़ाइन और ऊल बच जाते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आप कौन सा कलर लेते हैं। अब देखिए मेरी लंबाई के, मेरे फ़ोन के अकॉर्डिंग इसकी देखिए लेंथ हो गई है। तो आप आराम से अपने फ़ोन को रख के ऐसे, मैं एक बार और बता रही हूँ, आराम से अपने फ़ोन को रख के फिर आप ऐसे इसकी देखिए मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना निट करना है। जब ये बराबर हमारा मेजरमेंट हो जाए फ़ोन के, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए उसके बाद के प्रोसेस हमने क्या करना है। अब देखिए हमने फ्रंट साइड से ये 2 का 1 करना है, और सारे फंदे हमारे ऐसे ही सीधे निट होते हुए जाएंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे हुए कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए हमने ये निट कर लिया है, यहाँ पे 2 का 1 किया यानी फ्रंट से। अब हमने इस साइड में, तो ये हमारा बैक साइड से 2 का 1 होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कैसे 2 का 1 करना है, आपने 2 फंदे को एक साथ लेके और सिंपल सा निट कर देना है, ऐसे हमने निट कर देना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बनाइए। ये देखिए अब सारे फंदे को हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा ही निट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 2 का 1 किया और यहाँ से 2 का 1 किया, फिर हमने 2 का 1 करना है। दोनों साइड से हमने यही प्रोसेस करते हुए जाना है, 2 का 1, और देखिए दोनों साइड से सिर्फ 2 का 1, और सारे फंदे को हमने सिंपल ही निट करते हुए कंप्लीट कर लेना है। आगे से फ्रेंड्स हमने सीधा निट करना है, बैक साइड से उल्टा निट करना है। ये देखिए
हम बैक साइड आ गए हैं। फिर हमने यहाँ से क्या करना है, दो का हमने यहाँ पे भी दो का एक कर देना है बैक साइड से भी। हमने देखिए ये सिंपल सा दो का एक करके फिर सारे फंदे को हमने उल्टा उल्टा निट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से दो का एक करके ये कंप्लीट कर लिया है, यानी दोनों साइड से हमने एक एक फंदे घटाए हुए हैं। और जब हमारा ये छह फंदा बचे तब हमने सारे फंदे को बाइंड ऑफ कर देना है। यानी और देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि दो दो फंदे क्लोज करके मैंने दो सिलाई बताई थी, उसके बाद हमने ये सारी गार्टर स्टिच निट करनी है। देखिए जैसे यहाँ पे सारे फंदे को हमने उल्टा उल्टा निट किया है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करनी है। यहाँ पे भी हमने गार्टर स्टिच ही निट करनी है, इधर साइड से दो फंदे का एक करके इधर, उसके बाद हमने सारे फंदे की ये देखिए गार्टर स्टिच ही निट किया है। अब हमने सारे फंदे को क्लोज करना है। देखिए मैं बता रही हूँ क्लोज करना, दो का एक कर दिया, बहुत इजी है ये। फिर इस फंदे को यहाँ पे देखिए, इसमें फिर हमने इसको दो का एक कर देना है। फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेके फिर इसको दो का एक कर दिया और फिर ऐसे ही हमने सारे फंदे को क्लोज कर देना है। ये देखिए फिर मैंने ये दो का एक कर दिया। अब हमने उल्टे यहीं पे कट कर देना है। ये देखिए फिर यहाँ से इंसर्ट करके हमने ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने क्या करनी है, इसकी स्टिचिंग करनी है। आपने बैक साइड से नॉर्मल स्टिचिंग करनी है, जैसे भी आप स्टिचिंग करते हैं। बस जिस कलर का हमारा है ये, हमने ब्लैक टोटल स्टिचिंग ये ब्लैक कलर पे ही होगी। और स्टिचिंग करते समय आप केयर करें कलर का, जिस कलर का हो उसी कलर का हमने स्टिचिंग करना है, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। अब देखिए हमने स्टिचिंग कैसे, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ से देखिए ख़त्म करनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है देखिए, ताकि ये वाला पोर्शन हमारा ऐसे आए, ये ऐसे। तो हमने ये एक्स्ट्रा हमारा होता है, इसकी कोई मतलब मेजरमेंट नहीं होता है। जब हम मेज़रमेंट करेंगे फ़ोन का, इसकी लंबाई का, तो ये एक्स्ट्रा होता है। जितनी हमारे फ़ोन की लंबाई हो उतनी हमने निट करके फिर हमने ये एक्स्ट्रा निटिंग करनी होती है। अब देखिए हमने यहाँ से लेके पूरा स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। स्टिचिंग करके फिर मैंने इसको सीधा साइड कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्टार्टिंग में बटन होल बना लें या टिच बटन आपको लगाना है। ये देखिए मैंने रेड कलर का ये सो बटन लिया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं टिच बटन यूज करूँगी। ये देखिए ऐसे फ़ोन को मैं दिखा रही हूँ, ऐसे अपने फ़ोन को डालना है। फिर यहाँ पे जो हमारा टिच बटन लगेगा, फिर इसको ऐसे हमने क्लोज कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स हमने क्या करना है ऐसे करके, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक की रिंग ली है। आप चाहें तो लटकन भी ले सकते हैं और साइड में इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ कहीं पे हमने इसको इंसर्ट कर देना है सिंपल सा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे टिच बटन लगाना है। और आपने फ्रेंड्स देखिए, चाहे तो आप क्रोशिया से वाइट कलर का लेना है, क्योंकि रेड यहाँ पे हुआ है तो वाइट कलर का हमने ये क्रोशिया से दो पट्टी और सॉरी एक तीन चैन की पट्टी लंबी से स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। फिर वो पट्टी हमने यहाँ पे देखिए ऐसे करके डबल करके फिर यहाँ साइड में हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ऐसे लगानी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो फ्रेंड्स क्रोशिया से इसी में ऐड करके बना लें, या अलग से बनाकर फिर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इससे बनाने से हमें क्या फ़ायदा रहेगा, यहाँ पे
तब हम कहीं भी अपना ये फ़ोन हैंग कर सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि चार्जर हमारे छोटे होते हैं तो हमें फ़ोन रखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम कहीं भी हैंग करके ऐसे टांग सकते हैं, फिर इस पर फ़ोन रख के हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स और बहुत ही यूनिक सा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ऐसे फ्रेंड्स आप बेबी बॉटल के लिए भी बना सकते हैं और पाउच भी बना सकते हैं, एग्ज़ाम बैग भी बना सकते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। देखिए और बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए बैक साइड बिल्कुल सिंपल है और फ्रंट साइड हमने ये डिज़ाइन डाले हुए हैं जो कि डिज़ाइन मैंने आप लोग को बताया है। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे, आप लोग को अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।